दिवाली बाद से ही दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की हालत बेहद खराब है, जिसकी वजह से लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हवा में प्रदूषण के कारण छोटे छोटे कण घुल जाते हैं और नमी के कारण वायुमंडल के निचली परत में ही रह जाते हैं। इसके साथ ही सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर कई तरह के रोगों को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर रोगों का घर बन जाता है और परेशानियों का सबब भी। ऐसे केसेस में कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ये जो है ब्लड में भी एंटर करते हैं, ब्लड और ब्लड डिजीजेस भी कॉज करते हैं, स्किन इन्फेक्शंस भी कॉज करते हैं, आई इरिटेशन भी होती है, एंड इवन प्रेग्नेंट वुमेन में ये प्रीमैच्योर अबॉर्शन का भी कारण हो सकते हैं। वायु प्रदूषण संबंधी बीमारी हवा में हानिकारक प्रदूषकों के कारण होने वाला रोग है। कुछ वायु प्रदूषकों के कारण वायु मार्ग सिकुड़ जाते हैं, जिससे खांसी, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़े प्रभावित हैं या नहीं ये निर्धारित करने के लिए डॉक्टर पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग करते हैं। हमारी सांस के साथ हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके और ब्लड के साथ साथ हमारे हार्ट में और हमारे ब्रेन तक भी पहुंच जाते हैं, इतने महीन पार्टिकल्स होते हैं, जबकि ब्रेन बैरियर्स होते हैं कुदरत की तरफ से, पर ये जो पॉल्यूटेंट्स हमारे शरीर में जाते हैं, हमारी स्किन के अंदर जाते हैं, स्किन इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं। घर के अंदर के वायु प्रदूषण में बाहरी वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा घर के अंदर वायु प्रदूषण के स्रोतों में तंबाकू का धुआं, घर के अंदर खाना पकाना, निर्माण और नवीकरण शामिल है। खाना पकाने और गर्म करने के लिए बायोमास ईंधन जलाना उन देशों में प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो बायोमास वाले ईंधन पर निर्भर है। वो बेबी सरवाइव नहीं कर पाता नर्सरी में रखने के बावजूद, तो एक तरह से वो उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी में ये मोर्टेलिटी मतलब उसके मृत्यु का खतरा बना ही रहता है इस चीज में। ओजोन स्मॉग का प्रमुख घटक है। इसके अलावा सल्फर ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के जलने से पैदा होते हैं। सल्फर ऑक्साइड वायु मार्ग में सूजन पैदा कर सकता है, जिससे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का खतरा बढ़ सकता है और इसके साथ ही वायु मार्ग भी सिकुड़ सकता है। जो बच्चे ज्यादा ओजोन प्रदूषण वाले दिनों में बाहरी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, उन्हें अस्थमा होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने नाक पर गीला रुमाल, इसके अलावा जो तमाम फल आते हैं जैसे संतरा हुआ, ये फल आपके लिए कारगर साबित होंगे। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।